हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कलर्स ग्रुप और मैं आपका अपना होस्ट करण आप सभी का कलर्स ग्रुप स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस सुंदर सी बोगनविलिया को कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी वाइन है जिस पर काफ़ी बढ़िया बढ़िया डिफरेंट वैरायटी के फूल्स आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे बोगनविलिया को बिना किसी रूटिंग हार्मोन के ग्रो करना है। दोस्तों, सबसे पहले हमने एक कटिंग ले लेनी है। आपकी कटिंग थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, जिस तरह मेरी है। उसके बाद इसे आपने किसी नकेली चीज़ से काट लेना है, जैसे चाकू या किसी और से। याद रहे, जिस चीज़ से आप इसे काट रहे हैं वो पूरी तरह से सैनिटाइज होनी चाहिए, यानी कि रोग मुक्त। उसके बाद आपने इसके सारे पत्ते निकाल देने हैं और सिर्फ एक पत्ता रहने देना है। मैं इसके अभी सारे पत्ते निकाल रहा हूँ और ये पत्ता मैंने छोड़ दिया। अब हम एक शार्प नाइफ लेके इस पे 45 डिग्री का एंगल कट लगा देंगे। आपका कट कुछ इस तरह सा होना चाहिए। कट लगाने के बाद आपने इसे सॉइल में लगा देना है। मैंने सॉइल ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है। दोस्तों, जो हमने कटिंग लगाई थी उसको आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिन के बाद जो हमारी कटिंग में स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है और छोटे छोटे पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, कटिंग लगाने के बाद आपने सॉइल को मॉइस्ट रखना है ताकि इसमें नमी बनी रहे। दोस्तों, जो हमने कटिंग लगाई थी उसको आज पूरे 35 दिन हो चुके हैं और 35 दिन के बाद इसका रिजल्ट कुछ इस तरह का है। देखने में ये काफ़ी हेल्थी और काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली वाइन हो चुकी है। इस प्रकार से मैंने और काफ़ी इसकी कटिंग लगाई थी जिसमें मुझे काफ़ी सक्सेस मिल रही है। दोस्तों, ये कटिंग मैंने लगाई थी इस कलर की, इस पौधे से मैंने इसकी जो कटिंग ली थी। तो अभी मैं इसको ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा कि इसमें कितनी रूट आ चुकी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपनी एक जो हमारी गार्डनिंग टूल है उसकी मदद से इसे निकाल लेता हूँ। अभी मैंने इसके दोनों तरफ एक छोटा सा कट दिया ताकि ये मल्टी से आसानी से निकल आए। उसके बाद हम इसे मट्टी से निकाल लेंगे और देखेंगे इसमें कितनी रूट बनी है, क्योंकि इसके ऊपर से ग्रोथ से लग रहा है इसमें रूट बननी शुरू हो चुकी हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें जो रूट आनी शुरू हो चुकी हैं, इसमें तकरीबन 3 से 4 रूट बन चुकी हैं। तो अभी हम इसे ट्रांसप्लांट कर देंगे ताकि इसमें और काफ़ी रूट बन जाए। तो इसके लिए मैंने पहले ही सॉइल को प्रिपेयर कर रखा है। आप इसकी रूट बाल देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सिला हुआ पॉलीथीन का बैग लिया है और इसमें मैंने काउडंग मैक्स सॉइल ली है। अब इसके बीचों बीच मैंने एक शेड कर लिया है ताकि इसमें हम रूट बाल को लगा सकें बिना किसी दिक्कत के। अभी हमने साइड से थोड़ी थोड़ी इसमें मिट्टी डाल देनी है ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छी तरह से मिट्टी डालने के बाद हमने इसे साइड से दबा देना है ताकि जो एयर पॉक्स हैं वो ख़त्म हो जाए। अभी दोस्तों, बारी आती है इसको पानी देने की। दोस्तों, आपने इसे पानी से अच्छी तरह से भर देना ताकि ये मिट्टी नीचे तक पूरी तरह मॉइस्ट हो जाए। दोस्तों, अभी आपने जो आपकी ये कटिंग है इसको थोड़े से शेडी एरिया में रखना है ताकि इसकी जो और रूट्स हैं डेवलप हो जाए। एक इजी टू ग्रो कटिंग प्लांट है, इसे आप इजी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।